Oh shit, here we go again. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूट्यूब पे। तो अगर आप भी इस तरीके का ट्रेंडिंग स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप करके चले जाते हो और बाद में आपका ही प्रॉब्लम होता है। और आप लोग कमेंट में कमेंट करते हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से एंड तक देख लेना, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को रोज मिलता रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD इमेजेस इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको दोनों XML को अलर्ट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है, और अगर आपके अलर्ट मोशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है जो XML है वो इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाला अलर्ट मोशन ऐप चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों XML को अलर्ट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले पे जो सॉन्ग है वो डिलीट हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे एक सॉन्ग का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, एक वीडियो होगा, ठीक है। सिंपल से आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको ये वाला वीडियो डाउनलोड कर लेना है जो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस पे लिखा हुआ है एड वीडियो एंड एक्सट्रैक्ट द साउंड, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एड इमेज दिखाई दे रहा है, एड इमेज पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आएगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। कलर एंड फील दिखाई दे रहा है, कलर एंड फील पे क्लिक करना है। मीडिया नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, आपको राइट साइड पे स्टार जो है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप स्टार का या सेलिब्रिटीज का फोटो यूज़ करेंगे उसका सबसे जो पुराना फोटो है वो पहले आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे विराट कोहली का पुराना फोटो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको एरो पे क्लिक करना है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एंडिंग हो रहा है इस पॉइंट पे आ जाना है। फर्स्ट इमेज जिस पॉइंट पे एंडिंग हो रहा है उस पॉइंट पे आ जाना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अभी आपको जो HD क्वालिटी का अच्छा अच्छा इमेजेस है वो इमेजेस आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ना जूम लेयर पे आना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको इस तरीके से अच्छा अच्छा इमेज जो है वो आपको ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेज अगर आपको चाहिए, मेरे टेलीग्राम पे जाना, पिन क्या हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, पिन क्या हुआ बोल रहा हूँ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है बिट मार्क के हिसाब से, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको भी यहाँ पे कर लेना है। HD क्वालिटी का फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह सबसे पहले आपको जो ओल्ड फोटो है वो आपको फर्स्ट जो लेयर है उस पर ऐड करना है, बाकी आप जो करंट फोटो है वो आप ऐड कर लेना, ताकि वीडियो बहुत ही अच्छा बने, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंपल से आपको भी इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। आप मेसी का, रोनाल्डो का जो भी फोटो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। जो स्टार्टिंग फोटो है वो आपको बस ओल्ड फोटो रखना है, बाकी आप जो करंट फोटो है HD अच्छा अच्छा वो वाला फोटो आपको ऐड कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो, मैं जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी कर लेना है, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको 3 CC मिलेगा और आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे इमेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे इमेज इफेक्ट दिया इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, इफेक्ट जो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। 3 CC को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके कॉपी 3 लेयर कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेज 3 लेयर कर देना है, इस तरीके से पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट जो लेयर इसको छोड़कर जितना भी इमेजेस आपने ऐड किया था सभी इमेजेस पे जो इफेक्ट आपने कॉपी किया था सिंपल से पेस्ट कर देना है। कैसे करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो सभी इमेजेस पे आपको एक ही इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। पूरा एंडिंग पॉइंट तक जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। एक ही इफेक्ट दिया है, इसको सिंपल से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा स्टडा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा लैग होगा सब देख सकते हो। उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।